अगर आप भी सीखना चाहते हैं इन सभी सॉफ्टवेयर में से कोई भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, काफी दिनों से हमारे वीडियोज नहीं आ रहे, उसका एकमात्र कारण है कि मैं छोटी छोटी जो मोरल स्टोरियां होती है वो बनाना शुरू कर दिया हूं, और मुझे टाइम बहुत ही कम मिलती है अपने पुराने चैनल के लिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इस चैनल पर आपको ट्यूटोरियल तो मिलते ही रहेंगे। आज मैं आप लोगों को ये दिखाने वाला हूं कि जो स्टोरी बनाते हैं ना, उसकी सेट कैसे होती है। एक बार यदि आप स्टोरी सेट को बना लेते हैं, तो किसी भी स्टोरी को बनाना आपके लिए आसान हो जाती है। तो वो स्टोरी सेट किस टाइप से बनानी है, कैसे वर्क करना है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास आइक्लोन 6 वाला जो है वर्जन है, मैं इस फाइल पे जाता हूं और यहां से ओपन करता हूं। मैंने आज ही ये सारा बनाया है, और दिन की बात करें तो आज पूरा दिन मुझे ये सारे बनाने में लग गया। ओपन होने में कुछ टाइम ले रहा है, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टोरी सेट है वो ओपन हो चुकी है। ये हमारी स्टोरी सेट ओपन होने में करीब करीब 1 मिनट के आसपास लग गया। डिपेंड करता है कि आपकी सिस्टम कितनी हाई कॉन्फ़िगरेशन की है, उसके हिसाब से ही ओपन हो। मैं आपको विजिट करवा रहा हूं इस स्टोरी सेट की। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहां पर काफी सारे घर बनाए। घर के चारों तरफ खूबसूरत बढ़ाने के लिए मैंने इसमें रेलिंग लगा दी है, जो कि लकड़ी अर्थात फर्नीचर की बनाकर मैंने लगा दिया, ठीक है। यहां पर मैंने एक घर बनाए हैं, और काफी सारे पेड़ पौधे मैंने इस विलेज के अंदर लगा दिए हैं, जिससे यह विलेज काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में। एक बात और, जब आप पहली बार कोई विलेज बनाते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे उसमें घर लगा देते हैं, अर्थात हाउस लगा देते हैं, अलग अलग चीजें जो है वो आप बहुत सारे लगा देते हैं। उसकी वजह से उसमें स्टोरी करवाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेरी अगर एडवाइस माने, तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आप बहुत सारे घर लगाएं। घर लगाइए उतना ही जितना काम में, करीब करीब 10 से 15 घर लगाइए, उससे ज्यादा मत लगाइए। ट्री में भी 3-4 ट्री अगर अच्छे वाले आप लगा देते हैं, तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर जो मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, ये माया से बनाई गई है। मेरे पास कई सारे मॉडल हैं, और डेली डेली मैं मॉडल बना भी रहा हूँ, मॉडल बेच भी रहा हूँ बना बना के। ये आइक्लोन वाली प्रत्येक मौसम इस मॉडल के ऊपर वर्क करती है, अर्थात वॉकिंग टॉकिंग हर चीज जो है वो वर्क करेगी, क्योंकि मैंने इसी के हिसाब से इसकी मॉडलिंग की है। रिगिंग भी आइक्लोन के हिसाब से ही किया गया है, जिसकी वजह से ये कैरेक्टर आपके इच्छा के अनुसार हर काम कर सकते। अगर आपको मैं दिखाऊं, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं मैं, ये सेलेक्ट हो गया, और यहां पर आकर के आपको जो भी मोशन देने हैं, यहां देखिए मोशन आ गया, और मोशन आने के बाद वॉकिंग टॉकिंग जिसका भी आपको देना है वो यहां से आप दे सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अर्थात ये अच्छी तरीके से वर्क करेगा। जैसे यहाँ प्रीव्यू करके मैं दिखाऊं, यहां से स्पेस बार दबाऊं, तो आप देखोगे कि ये जो हमारी साधु महाराज है ये कुछ बोल रहा है, और इसकी हाथ जो अंदर जा रही है, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी एडजस्टमेंट जो है यहां दी गई है। यहां से इस हाथों को आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दूरियां बढ़ा सकते हैं, जिससे ये हाथ है ना स्ट्रेच ना हो, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे लोअर इन, ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। यहां से इसकी पूरा का पूरा जो है एल्बो, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गैप कर दिया, हाथ में हटा दिया, और भी अच्छी तरीके से आप यहां से करवा सकते हैं, जिससे ये सही तरीके से वर्क करेगा। ये तो सीधा करने वाला है, ठीक है। अब लाइट, ये भी उनका नहीं है, और
ठीक है, ये हाथ आगे करने वाली मोशन। अर्थात कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब है ये, इसमें सारे मोशन जो है वो काम करेंगे। स्पेस बार से मैं रोक दे रहा हूं और फिर मैं इसको निकाल दे रहा हूं। जितना भी मोशन है सब काम करेगा, मॉडिफिकेशन के ऊपर डिपेंडेड है। ज्यादा मैं आप लोगों को समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जो जिस मकसद से आया हूं मैं वो दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये विलेज कैसी बनानी है, एक बार मैं दूर से दिखा दूं कि हमारे विलेज जो है वो किस टाइप से कम घर अगर आपको गिनती करना है तो गिनती कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, इस विलेज को आप देख सकते हैं। देखिए विलेज दूर से कैसा दिख रहा है, कंट्रोल जिसे मैं ग्रिड हाइड कर रहा हूं, विलेज जो है ना दूर से कैसा दिख रहा है वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड ये करता है कि आपकी विलेज जो है वो नजदीक से देखने के बाद कैसा दिखाई देता है। मैंने इसमें कोई फॉग का यूज नहीं किया है, अगर आपको फॉग का यूज करना है तो विजुअल में जाने के बाद यहां से आप फॉग को ऑन कर देंगे, ठीक है, और फॉग ऑन करते ही यहां पर जो है चारों तरफ से फॉग आ जाएंगे और इसकी जो एवरेज है उनको सेटिंग कर दीजिएगा जितना में ये फॉग जो है वो कम हो जाए, ठीक है। अभी भी फॉग बहुत है स्काई में, ठीक है, अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई इसकी खास बात नहीं है, देख लीजिएगा कितना में जितना बढ़ाइएगा उसके हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। 65,000 भी वर्क नहीं किया तो 45 करके देखता हूं। वैसे मैं अपनी स्टोरी के अंदर फॉग वाली ऑप्शन का यूज नहीं करता हूं, ठीक है, और भी घटाइए। ठीक है, अब देखिए हल्का हल्का माउंटेन पे इफेक्ट आने लगी है, ये 20 या 22,000 में, सॉरी 22,000 ही लीजिएगा, ये हल्का सा जो हमारी माउंटेन है उसके ऊपर ये फॉगी इफेक्ट आ रही है, ठीक है। तो जरूरत है इस इच्छा के अनुसार जितना आपको जरूरत पड़े उनके हिसाब से फॉग कर दीजिएगा। फॉग क्या होता है, थोड़ा सा धुआं टाइप का होता है जो आपको स्काई और जो आपकी नीचे वाली माउंटेन है उसको ये मैच करवाता है, बाकी हमारी कार्टूनिंग के लिए ये कोई खास नहीं है कि इसका यूज किया ही जाए, डिपेंडेड है आपके ऊपर, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, ना करना चाहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए फॉग की वजह से हमारा इसी ने स्टेप से दिखाई देता है, राइट। दूसरी बात, इसके अंदर मैंने कॉमन कॉमन सारे चीजों को लिया है, मैं एक बार वो भी दिखा दूं आप लोगों को ताकि पूरा समझ में आ जाए कि कैसे करनी है। देखिए सबसे पहले घरों को दूर दूर रखना है, समझिए जो घर है अगर आप स्टोरी करवाएंगे नजदीक नजदीक पूरे घर को चिपका देंगे तो वो स्टोरियां बनाने में काफी दिक्कत आएगी, तो ध्यान रखना है जो आप घर लगाएंगे उसको दूर दूर लगाना है, नजदीक नजदीक नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, खूबसूरती बढ़ाने के लिए डेकोरेशन करना जरूरी है, जैसे देखो ये टायर रख करके, ये पत्थर रख करके, ये फूल लगा करके, यहां नीचे फ्लावर लगा करके मैंने इसको डेकोरेट किया है ताकि ये देखने में सुंदर लगे, ठीक है। तो ये दूसरी काम है डेकोरेशन करना। पहली काम मैंने क्या बोला कि घर को दूरी दूरी पे लगाना, दूसरी काम इसे डेकोरेशन करना, तीसरी काम क्या है कि इसके अंदर इस गांव के बाहर या कहीं भी कुछ जंगल टाइप से सीन बना लेना ताकि उसमें कोई भी स्टोरी जो है वो जंगल का सीन आए तो हमें दूसरे स्टोरी सेट में जाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। उसके लिए आपको करना क्या है मैं एक बार दिखा दूं, यहां जंगल टाइप के मैंने सीन बनाए हुए हैं, एक बार दिखा देता हूं, देखिए, ठीक है। और एक चीज और, मैंने इसमें एक वाटर भी लगाया हुआ है अर्थात तालाब बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो तालाब अगर यदि आप देखना चाहते हैं तो यहां पर जो है वो तालाब है, देखिए, ठीक है, इस घर के पीछे है, काफी सारे अभी इसमें वर्क करना बाकी है तो कुछ वर्क चल रहे हैं कुछ वर्क हो गए हैं, ठीक है। ये देखिए ये यहां पर हमारी क्या है, तालाब है, और इस तालाब के बगल में आप देखिए ये मैंने थोड़े से ज्यादा पेड़ लगा करके मैंने इसको जंगल बना दिया, ठीक है। अगर इसमें कोई कैरेक्टर भी आपको डालना है तो डालकर आप चेक कर सकते हैं, आराम से ये वर्क करेगा, परछाई भी आएगी, हर चीज आएगी, क्योंकि ये वाटर है। और दूसरी बात क्या है कि ये वाटर चलेगा भी, समझिए, अगर आप इसको प्ले करेंगे तो ये वाटर जो है ये वर्क भी करेगा। वाटर मैंने कैसे लगाया, तो लैंडस्केप में ही मैंने खड्डा करके लैंडस्केप को बनाया और उसके बाद हमने इसमें वाटर लगाया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो लेडीज है ये अभी तो ऊपर खड़ा है लेकिन इसे हम वाटर में अगर खड़ा करते हैं तो वाटर में इनकी परछाई जो है अर्थात पानी में इनकी परछाई भी बनेगी, ठीक है। ये लेडीज ऑटोडेस्क माया से ही बनाई गई है, ठीक है।
अभी पता नहीं इसको मछली पकड़वाना है या क्या करवाना है, वो डिपेंडेंट है आपकी कहानी के ऊपर कि आपकी जो स्टोरी वो उसमें इनकी रोल जो है वो क्या होने वाली है। ठीक है, इसको अगर अंदर अंदर आप डालेंगे, हमारी जो लाइव क्लास होती है ना उसमें इसी टाइप से स्टोरी बनाना सिखाया जाता है कि आप कैसे घर को एडजस्ट किया जाता है, कैसे डेकोरेशन की जाती है, कैसे कैरेक्टर लाया जाता है, कैसे उसको सेट की जाती है, कैसे एनिमल लाया जाता है, यही सारे चीज जो है हमारी स्टोरी के अंदर जो है वो सिखाया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये लेडी जो है वो पानी में चला गया और पानी में जाने के बाद जो है इनकी परछाई भी आप देख सकते हैं कि पानी में आ गया है। अगर आप प्ले करेंगे देखेंगे बहुत ही शाइनिंग सा इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा वाटर। ठीक, वाटर की टॉपिक हो गई, घर की टॉपिक हो गई, ठीक है, जंगल की टॉपिक हो गई, अर्थात अब हमारे पास एक फ्री स्पेस भी रखना होता है। फ्री स्पेस इसलिए रखना होता है ताकि कभी भी हम कोई स्टोरी बनाते हैं तो उस समय क्या कर सकते हैं हम कि वहां पर कोई मार्केट लगा सकते हैं, जैसे चिकन शॉप, कोई ढाबा हो गया, ठीक है, छोले भटूरे की दुकान हो गई, तो ऐसी जगह भी हमें रखनी है ताकि उसके साइड साइड में उन चीजों को लगाकर एक नई लुक भी क्रिएट किया जा सके। ठीक है, देखिए, और जो हमारी लाइव क्लास है मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसमें यही सारे चीजें जो है सिखाया जाता है। आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के चीजों को बनाना सीखेंगे, आप जैसा सीखेंगे आपको वैसा ही सिखाया जाता है। ठीक है, देखिए इधर से देखिए, मैंने कोई विलेज नहीं लगाया है, कोई ट्री भी ज्यादा खास नहीं लगाया। ट्री ज्यादा लगाना मैंने पहले ही बोला ठीक नहीं होता, कारण क्या है कि हमारी सिस्टम जो है वो स्लो हो जाती है। तो मैंने अभी आपको पूरा का पूरा स्टोरी सेट की दर्शन करवा दिया। दोस्तों एक बार देखिए, मैं चारों तरफ से घुमा के भी दिखा देता हूं कि ये कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी स्टोरी एकदम, कोई मैंने लॉजिक का यूज नहीं किया, एकदम बेसिक टेक्निक से मैंने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, अब इसमें कैरेक्टर आएंगे, स्टोरी सोचिए और जरूरत के हिसाब से घर मकान शॉप तो इंस्टॉल होते रहेंगे और डिलीट भी होते रहेंगे, वो तो डिपेंडेंट है हमारे स्टोरी के ऊपर कि स्टोरी कैसी है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग लर्न कीजिए 3D मेरे साथ और मैं आपको विश्वास के साथ पूरी 3D फील्ड के जानकारी जो है मैं दूंगा, अर्थात इस लायक आपको बना दूंगा कि कहीं आपको जॉब तो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें कोई महान कलाकारी जैसी चीजें नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ी टॉपिक है ये, बहुत बड़ा जो है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक छोटी सी टेक्निक की मदद से हम लोग स्टोरी को क्रिएट करते हैं और ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ हम 3 महीना में कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको भी यहां पर लाऊं तो देखिएगा हमारी कैरेक्टर जो है वो और भी आ जाएगी। आप हमारी लाइव क्लास को ज्वाइन करके इस टारगेट को हिट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये इसीलिए सेट किया है ताकि मैं चाहूं तो एक फोटो रेंडर निकाल लूं ताकि मैं इसी वीडियो के थंबनेल में इस फोटो को लगा सकूं। दोस्तों हमारी वीडियो कंटिन्यू आएगी, लेकिन अभी जो है मैं भी स्टोरी के ऊपर वर्क कर रहा हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हमारी जो स्टोरी के ऊपर वर्क है वो करीब करीब 90% अर्थात 90% जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अर्थात आने वाले 10 से 15 दिन में स्टोरी आनी हमारी शुरू हो जाएगी। राइट, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में।